दिलीप सर आपके सारे दोस्त कर्नल क्यों बुलाते थे? 1975 में जब मैं ईरान ट्रॉफी खेला बॉम्बे के लिए जी, आई वाज 18-19 इयर्स ऑफ एज, और एकनाथ सोलकर इंजर्ड हो गए, जिसके लिए मुझे एक्चुअली मिला चांस मिला खेलने के लिए, क्योंकि हमारी टीम बहुत ही बड़ी टीम, अच्छी टीम थी, अरे सुपर स्टार्स थे काफ़ी हमारे टीम में। तो जब मुझे चांस मिला तो मैंने 100 किए फर्स्ट मैच में, और 4 सिक्सेस ऑफ बिशन सिंह बेदी और 3 ऑफ प्रसन्न। ओके, तो तभी लाला अमरनाथ वॉज द ऑल इंडिया रेडियो एज एक्सपर्ट कमेंटेटर। ओके, तो उनको पूछा कि ये बच्चे के बारे में आपका क्या लगता है? ई सेड ही बेस्ट लाइक कर्नल नायडू, ही वॉज अ फर्स्ट इंडियन कैप्टन इन 1932, ही वॉज टॉल एंड ही वॉज गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, नो सिक्सर काफ़ी मारते थे। तो इसे जब मैं 7 सिक्सर मारे मेरे पहले ही इनिंग में, तो उनको लगा कि ही बेस्ट लाइक कर्नल नायडू। मजाक का सिलसिला यहाँ पे चलता रहेगा, लेकिन कपिल पाजी को किसी अर्जेंट काम से अभी उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। सो कपिल पाजी, थैंक यू सो मच आप आए, और इतनी रौनक लगी हमारे शो में, दिल तो नहीं चाहता कि आपको भेजें, पर हम समझते हैं कि आपकी भी मजबूरी है पाजी। लव यू पाजी, थैंक यू सो मच। टीम का ध्यान रखना। जी जी बिल्कुल, हम आपकी टीम का ध्यान रखेंगे। टीम का ध्यान रखना, मैं बाद में मिलता हूं। पाजी इससे पहले आप जाएं, मुझे ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा, मैं मुझे एक साइन करवाने हैं, ऐसी बड़ी टीम दोबारा मिलेगी नहीं। आज मैं पहन के भी सफेद आया हूं, मुझे कोई पेन मिल जाए। हाँ, पेन पेन दे दो। थैंक यू पाजी। पाजी छोटी सी एक और रिक्वेस्ट है, बिकॉज पूरी वर्ल्ड कप की यहाँ पे टीम है, तो एक तो फोटो आपकी तब हुई थी जब आप लोगों ने वर्ल्ड कप जीता था पाजी, आज उसके बाद आज फिर सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि एक फोटो ग्रुप फोटो हो जाए पाजी, और फिर उसके बाद आप प्लीज निकल जाना। तो सबसे पहले मैं आपको पुरानी फोटो दिखाना चाहता हूं पाजी। पाजी आप भी देखो, वर्ल्ड कप के दौरान ग्रुप फोटो थी। सर जैसे सबके निकनेम्स, जैसे आप कपिल पाजी को कैप्स बुलाते हैं कुछ लोग, जैसे श्रीकांत सर को चिका बुलाते हैं, वैसे सर आपको चिका क्यों बुलाते हैं? चिका? हाँ, चिका कड़वाना सी बैट बॉलर दिया। क्या बोल रहे हैं? बोलते बॉलर्स जो होते हैं तो उनकी चीखे निकलवा देते थे। चल चुप ते। सी चेन्नई में हो सकता है क्या नाम, एडिटिंग श्री नाम का नाम, और श्रीनिवासन का चीना भी बोल सकता है। ओके, श्रीकांत आई थिंक चीका हो गया, मेरा सेकंड स्टैंडर्ड से चीका नाम है, हमारा नाम है। सो इट्स ओके, चाइल्डहुड पेट नेम है। सर सबके निकनेम्स रखे थे कोई टीम में सबने? जिम्मी, जिमी बा, पॉल, ओम्मा दीपा, पाल, बादम, पाल, अकर्टी, वॉली, और क्या सनी, और रवि को कैमसी। ओके, और क्या चाहिए? नहीं और कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? सर आप सब लोग दोस्त पूरे टीम के सदस्य यहाँ पे हैं, तो सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों के हैं, मेरे क्वेश्चंस नहीं है, तो वो जानना चाहते हैं कि आप एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं, तो छोटे छोटे सवाल हैं, कोई भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। होटल का कमरा सबसे ज्यादा गंदा कौन रखता था? श्रीकांत। एक जूता इधर, सॉक्स उधर, अच्छा शर्ट उधर। रॉजर सपोर्ट करना मेरे को। सही सही बोले। सही है। मैं ऐसा नहीं हूँ। नहीं नहीं सर, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये अदालत नहीं है, कोई तो ओपिनियन है दोस्तों का। और ठीक है ठीक है। तो सर किसके पैरों से जुराबे उतारने के बाद सबसे ज्यादा स्मेल आती थी? श्रीकांत भी बोले ना, श्रीकांत खुद ही बोल दिए। ओके, सबसे ज्यादा खाता कौन था सर? रवि शास्त्री। रविशास्त्री, रविशास्त्री सबसे ज्यादा खाते थे। दो आदमी का खा जाता था। अच्छा जी, आराम से। तीसरे का भी देखता था कहीं भी मिल जाए। सबसे ज्यादा पार्टी कौन करता था? पाटिल। पाटिल। क्या बात है सर, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते हैं आप, ये कंप्लेंट की तरह लेते हैं सर। देखियो मैं पार्टी करता तो ये क्या करते थे फिर बाकी के? आप ही तो एक लीड करते थे, लेकिन एंजॉय तो सभी करते थे। सबसे ज्यादा फैशनेबल कौन था? थोड़ा अपनी लुक बुक पे कौन थे? पाटिल। पाटिल साहब। पाटिल। सर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो भी ना है वो दोनों चीज फैशन और ये पार्टी साथ चलती है ना। हाँ, वो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बो है, टू इन वन। संदीप का एक किस्सा है,
मेरे पास बाइक होता था, मैं से घर में बाइक छोड़ता था, फिर हम रणजी ट्रॉफी के लिए जाते थे। तो हम दिलीप ट्रॉफी खेले थे वानखेड़े पे। अच्छा जी। तो इसने एक नई टी शर्ट पहनी थी। ओके। तो बोला क्या पढ़ला नया टी शर्ट, मच्छरदानी वाला ये तो कपड़ा है। ये क्या बोलता है, मैंने 30,000 का बिल दिया है कल ही, इतना कपड़ा सिलाया उधर से। अच्छा। 30,000 पढ़ला, 80s में 30,000 वाज बिग। हमने गाड़ी पार्क की वानखेड़े के बाहर, इसने दिलीप बाहर दूसरी गाड़ी से निकला, अरे पाटला क्या चकाचक दिख रहा है एकदम फर्स्ट क्लास। बोलता हाँ रे, कल ही 15,000 का कपड़ा बाई किया सब। अंदर गए ड्रेसिंग रूम में, अंशुमन सामने खड़े थे, अरे पाटला क्या नया कपड़े, क्या स्टाइलिश दिख रहा है तू, अरे कल ही 7,000 का बिल दिया मैंने। तो बोला शिवाजी पार्क से स्टार्ट हुआ, वानखेड़े पहुंचते तक 7,000 हो गया, कोलाबा जाते तो इसको सामने से देता हूँ। कैप्टन को सबसे ज्यादा मस्का कौन मारता था? यशपाल शर्मा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे सब टीम साथ में खाना खाने जाती है, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि होटल में आप अपना मैच खेल के उसके बाद कहीं बाहर घूमने गए, तो होटल में होता है ना कि सब लोग खाना खा रहे हैं और जब बिल की बारी आती है तो एक कोई यार दोस्त ग्रुप में पूरा जरूर होता है जो हाथ धोने के बहाने निकल जाता है या कोई फोन आने निकल जाता है कुछ तो कुछ, वो दोस्त कौन सा था सर टीम में? अच्छा टीवी पे नहीं है ना अभी वो? नहीं। तभी इनका नाम कर्नल रखा। होटल में खाना कौन खाता था? नीचे उतरना, हमने हमने देखना कोई आया हमें खाना खाना खिलाने के लिए कोई। तो दो तीन खड़े होते थे यार दोस्त, आप एक डिनर के चलते हैं। हाँ चलते हैं। 99% जो जब हम खेलते थे तो हम वेट करते थे कोई गेस्ट आ जाए हमें ले, इसीलिए हमें ले जाए, हमें ले जाए। ये एक हमारा क्रिकेटर होता था, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट दूसरा उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो ना ब्लेजर पा के हलवाई की दुकान पर जाता था। क्या करते थे? हलवाई की दुकान पे जाता था ब्लेजर डाल के, इंडिया अच्छा, का अच्छा कि दही में डिस्काउंट मिल जाए। उन्हें आऊं कर रहा है ऐसे करके आधा किलो दही दही जरा भाई, वो बड़े घर चल यार 50 रुपए नहीं तो 10 रुपए ही दे तो चल लगे। मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि जी सर, अभी तो दौर बदल गया है और पहले भी मैंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट तभी नहीं था, तो हमारे जैसे दोस्त मदीने कहा कि खिमजी रामदास, कनक भाई खिमजी रामदास थे, मीनू भाई वड़गामा थे, प्रवीण पटेल थे और सारे थे जी। और मैच के दौरान जब लंच टाइम होता था ड्रेसिंग रूम छोड़ के उनके गाड़ी में जो खाना ले आते थे वहाँ जाके खाते थे। अच्छा जी। उतनी हमें इजाज़त थी उस जमाने में, तो उनको मैं आज सबकी तरफ से याद करना चाहता हूँ कि बहुत सेवा उन्होंने की हमारी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.